गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी क्या इम्पोर्टेंस हैं, क्या यूजेज हैं। मेनली हम यहाँ पर चार एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव कॉम्प्लेक्सेशन। इन चारों प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इस कालांश में हम एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड इन देयर सॉल्यूशन स्टेट। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि किसी भी कंपाउंड का या किसी भी कॉम्प्लेक्स में कलर क्यों दिखाई देता है या वो रंगीन क्यों दिखाई देता है। तो कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज अराइजेज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन लेवल्स हूज स्पेसिंग करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ अवेलेबल इन द विजिबल लेंथ विजिबल लाइट। हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें डिफरेंट रेंज में रेडिएशंस होती हैं। अगर किसी भी ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के दौरान जो रेडिएशन एब्जॉर्ब या इमिट हो रही है उनकी वेवलेंथ विजिबल रेंज के भीतर आती है तो वह कंपाउंड कलर दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है, हम जानते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने पढ़ा कि डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो जाती है और डी अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री टी टू जी और ई जी में या टी टू और ई में स्प्लिट हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है और फोटॉन्स लाइट फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन करके और उनकी रेंज यदि विजिबल फील्ड में आती है तो वो कंपाउंड हमें कलर दिखाई देगा। तो व्हेन द सैंपल एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ लाइट इट इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर वी एक्चुअलेशन। जब वो कलर को लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, कुछ रिमिट करता है, परावर्तित करता है, तो जो कलर वो एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें उस कंपाउंड का दिखाई देगा। और ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से होंगे ये सब हम डिस्कस अभी थोड़ा आगे करेंगे। इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे यदि कोई कंपाउंड सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, इफ़ ए सैंपल एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट की सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो हमें ब्लैक दिखाई देगा। यदि वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो वो वाइट या कलरलेस दिखाई देगा। व्हेन एन एटम एब्जॉर्ब ए फोटोन ऑफ विजिबल लाइट द एनर्जी ऑफ फोटोन कैन एक्साइट वन ऑफ दैट एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स टू ए हायर एनर्जी लेवल एंड मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल और रिवर्स इज नॉन एज ट्रांजिशन। अर्थात ट्रांजिशन क्या हुआ कि जब कोई एटम फोटोन्स को एब्जॉर्ब करता है और उसकी लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट हो जाता है या वो एनर्जी को रिलीज करके हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आ जाता है तो इस टर्म को हम ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये ही बेसिक है किसी भी कंपाउंड में कलर शो का। जब किसी कंपाउंड में ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, फोटोन एब्जॉर्ब करता है एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। जिन दो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हो रहा है उनका जो एनर्जी डिफरेंस है उसके इक्वल वेवलेंथ की एनर्जी फोटोन्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू डेल्टा। अर्थात इसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं, ई यहाँ पर क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, जो उस एटम या कंपाउंड ने लाइट एब्जॉर्ब की जो वो उसको कितनी एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब की कलर को दिखाने के लिए वो ई के द्वारा रिप्रेजेंट की है। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी की किस फ्रीक्वेंसी की लाइट को वो ऑब्जर्व कर रहा है। डेल्टा यहाँ पर क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है दो लेवल्स में उनके मध्य का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसका मान हम डेल्टा के द्वारा शो करते हैं।
तो ई इक्वल टू डेल्टा होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पॉसिबल होगा, अर्थात डेल्टा के इक्वल एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी होगी। यदि हम यहाँ न्यू को, न्यू हमारे यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और यदि हम इसको वेवलेंथ ऑफ लाइट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं न्यू इक्वल टू, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। लेमडा क्या है यहाँ पे, लेमडा है वेवलेंथ, सी है स्पीड ऑफ लाइट। तो हम इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं ई इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, अर्थात ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, अर्थात वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी हमने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें कंपाउंड का दिखाई देता है। अब यह इस डायग्राम से आप देख सकते हो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि ये कलर चार्ट है। इसमें जो विजिबल लाइट है उसमें हम जानते हैं विबग्योर के द्वारा कलर दिखाई देते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसको अगर हम देखें तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है 600 to 700 नैनोमीटर, और सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की 430 to 380। अब हम इसमें शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास चार्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम कलर को बता सकते हैं सबसे ज़्यादा वेव। तो हम बताएंगे कि 380 से लेके यदि 700 या 350 से हम बोल सकते हैं रेंज 350 से 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ को यदि कोई कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है तो वो कंपाउंड हमें कलर दिखाई देगा, उसमें से कुछ पार्ट को यदि एब्जॉर्ब करता है। यदि कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लैक दिखाई देगा, यदि बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वाइट दिखाई देगा। यदि कुछ पार्ट को यदि वो एब्जॉर्ब करता है तो जितना एब्जॉर्ब किया उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें उसका शो होगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम इस कलर व्हील के द्वारा दिखा सकते हैं, ये कलर व्हील है हमारा। यदि हम इसको इंडिगो को छोड़ के और स्टार्ट कर दें वायलेट से, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये इस तरह से कलर है, तो इसके सामने वाला जो भी कलर है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। यदि इसने वायलेट रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया तो कंपाउंड हमें येलो दिखाई देगा। यदि ब्लू रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, मान लीजिए 490 से 430 के बीच में उसने नैनोमीटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया तो वो हमें ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज दिखाई देगा। यदि वो ग्रीन कलर का लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो कंपाउंड हमें रेड कलर का दिखाई देगा। तो इसे हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करना, और इस कलर व्हील से हम हर कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर बता सकते हैं, वायलेट का येलो, ब्लू का ऑरेंज, ग्रीन का रेड। और यहाँ पे इस चार्ट के द्वारा हम बता सकते हैं कि किस रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करेगा, तो कौन सा कलर वो एब्जॉर्ब करेगा और कौन सा कलर वो ट्रांसमिट करेगा। जो ट्रांसमिट करेगा वो कलर हमें उसमें दिखाई देगा। यदि उसने 700 ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, अर्थात एनर्जी डिफरेंस कम होता है तो वेवलेंथ ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा तो वो हमें डार्क कलर का दिखाई देगा। यदि वहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा है तो वो कम वेवलेंथ की रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा, तो वायलेट की यदि ऑब्जर्व करता है तो वो हमें येलो दिखाई देता है। तो इस तरह से हम उसका कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स का कलर डिसाइड कर सकते हैं इस कलर चार्ट और कलर व्हील के द्वारा। दिस इज कलर चार्ट एंड दिस इज कलर। अब यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि ये जो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो रहा है ये कॉम्प्लेक्सेज में दो टाइप से होता है, एक डीडी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, सेकंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डीडी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। डीडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में क्या होता है कि जब हम जानते हैं कि डी लेवल दो में स्प्लिट हो चुका है, यदि हम ऑक्टाहेड्रल की स्टडी कर रहे हैं मान लीजिए, तो डी ऑर्बिटल T2g और EG में स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पर T2g से EG में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो यदि अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेंज में है तो वो कंपाउंड हमें कलर दिखाई देगा। तो द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अराइज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन स्प्लिटेड डी लेवल, दैट इज T2g एंड EG,
whose spacing corresponding to wavelength available in the visible light. जो कलर एग्जीबिशन है कंपाउंड का वो अगेन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेचर ऑफ लिगेंड एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो इसको हम एग्जांपल्स के द्वारा वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि लिगेंड्स चेंज करने से उसके कलर पे क्या चेंज आता है, ज्योमेट्री चेंज करने से कलर पे क्या चेंज आता है वगैरह। यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं, क्रोमियम के डिफरेंट सॉल्ट्स का यदि हम कलर देखें तो ये आप इस डायग्राम में देख सकते हो। हमने क्रोमियम के दो सॉल्ट लिए हैं, हेक्साएमीन क्रोमियम आयन और दूसरा है हेक्साएमीन नहीं पेंटाएमीन क्लोरो क्रोमियम सॉल्ट, ठीक है। ये हम देखते हैं येलो कलर का दिखाई देता है, दिस वन इज मैजेंटा कलर। इसमें डिफरेंस क्यों आया, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, मतलब इसमें जितने भी लिगेंड जितने 6 एमोनिया लिगेंड जुड़े हुए हैं, ऑल आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने से क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा हो, डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होने पर हमने अभी देखा कि डेल्टा ज़्यादा होगा दैट मीन्स उसको हायर एनर्जी के फोटोन्स को एब्जॉर्व करना पड़ेगा। तो ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, हम कह सकते हैं ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, अर्थात एनर्जी हाई होगी तो कम तरंग धैर्य की लाइट को वो एब्जॉर्व करेगा। कम तरंग धैर्य की लाइट 430 से 380 नैनोमीटर की लाइट को यदि वो एब्जॉर्व करता है तो वो हमें येलो कलर का दिखाई देता है। तो इससे हम समझ सकते हैं, इसी तरह से सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है हमारा उसमें 5 अमोनिया लिगेंड के साथ में एक क्लोराइड लिगेंड भी है। क्लोराइड हम जानते हैं वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। डेल्टा की वैल्यू कम होने से एनर्जी का मान कम हो जाएगा, लो एनर्जी के फोटोन्स को वो एब्जॉर्व करेगा, तो लो एनर्जी की फोटोन्स मीन्स लैम्डा की वैल्यू हाई होगी। जब लैम्डा की वैल्यू हाई होती है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू जब हाई होगी तो यदि वो हमारा कंपाउंड है मैजेंटा कलर का दैट मीन्स वो रेड वायलेट के मध्य का है तो उसकी वेवलेंथ कुछ येलो ग्रीन वेवलेंथ को वो एब्जॉर्व करता है तो हमें वो रेड वायलेट के बीच का मैजेंटा कलर का कंपाउंड हमें दिखाई देता है। तो ये हम इसकी ज्योमेट्री से देख सकते हैं, इसमें ऑल 6 लिगेंड्स आर अमोनिया सेम लिगेंड्स, यहाँ पे 5 लिगेंड्स आर अमोनिया बट 1 लिगेंड इज क्लोराइड दैट इज वीक फील्ड लिगेंड। ड्यू टू वीक फील्ड लिगेंड डेल्टा की वैल्यू कम हो जाएगी और डेल्टा की वैल्यू कम होने से अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को वो एब्जॉर्व करेगा। इसी को यदि हम डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग डायग्राम से समझना चाहें, क्रोमियम के हमने डिफरेंट सॉल्ट्स लिए हैं जिसमें लिगेंड चेंज किया है, हमने मेटल सेम रखा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम रखा है सभी में आप देखेंगे, बट केवल लिगेंड चेंज किए हैं। फर्स्ट कंपाउंड में हमारे पास है फ्लोराइड लिगेंड, सेकेंड में H2O है, ये H2O वाटर एक्वा लिगेंड, थर्ड में अमोनिया एंड फोर्थ में साइनाइड। यदि हम स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज को रिवाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी जो है फील्ड स्ट्रेंथ है लिगेंड्स की, सबसे ज़्यादा साइनाइड की है, उससे कम अमोनिया की है, उससे कम H2 की है और सबसे कम फ्लोराइड की है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड स्प्लिटिंग में डेल्टा वैल्यू चेंज हो जाती है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड हम लेंगे ये वैल्यू डेल्टा वैल्यू जो है स्प्लिटिंग डिफरेंस ये ज़्यादा होता जाएगा, जितना वीक लिगेंड हम लेंगे तो फील्ड स्ट्रेंथ कम होने से डेल्टा वैल्यू का मान कम हो जाता है। तो जब डेल्टा वैल्यू कम होता है हमारे पास फॉर्मूला था E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू डेल्टा, अर्थात उसको डेल्टा के इक्वल एनर्जी को एब्जॉर्व करना होता है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड कम एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, कम एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा मींस हायर वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्व करेगा। हायर वेवलेंथ की रेडिएशंस जैसे कि रेड है, रेड को यदि वो एब्जॉर्व करता है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें ग्रीन दिखाई देता है। इसी तरह से जैसे जैसे हम जाते हैं एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाता है। साइनाइड में हम देखेंगे ये सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा होने से अधिक एनर्जी के फोटोन्स को इसको एब्जॉर्व करना पड़ेगा। अधिक एनर्जी का फोटोन्स मीन्स उसकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है मतलब वो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ को की रेडिएशन को एब्जॉर्व करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें येलो दिखाई देगा। तो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से लिगेंड का नेचर डिफरेंट होने पर कंपाउंड का नेचर डिफरेंट होता है।
एग्जाम में यदि आपको इसी तरह से पूछा जाएगा क्या कारण है कि हेक्सा फ्लोरो क्रोमियम आयन जो है वो लाइट डार्क कलर का है, जबकि हेक्सा साइनाइड क्रोमियम आयन ये आपका डार्क कलर का। तो आपको डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग बतानी पड़ेगी, इनका डेल्टा डिफरेंस बताना पड़ेगा, उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि ये रेडिएशन को ऑब्जर्व करने पर ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें यहाँ पे शो होता है। तो इस तरह से हम इसको सेकंड फैक्टर यदि हम देखते हैं, ज्योमेट्री पे भी हमने देखा कि ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है किसी भी कंपाउंड का कलर। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए हैं, एक है हेक्सा एक्वा कोबाल्ट आयन जो कि ऑक्टाहेड्रल है, सेकंड है टेट्रा क्लोरो कोबाल्ट आयन जो कि फर्स्ट वन इज ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्रा क्लोरो कोबाल्ट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री चेंज होने पर उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान चेंज हो जाता है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जस्ट हाफ होती है बजाय कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज की। अर्थात यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल में कम होती है, तो कम एनर्जी की फोटोन से ऑब्जर्व करेगा, मतलब हायर वेवलेंथ की रेडिएशंस को ऑब्जर्व करेगा, हायर वेवलेंथ की रेडिएशंस को ऑब्जर्व करेगा तो वो कंपाउंड हमें डार्क कलर का दिखाई देगा, क्योंकि हायर वेवलेंथ की रेडिएशंस हमने देखा रेड है, रेड को यदि ऑब्जर्व करता है तो ग्रीन दिखाई देगा, और अगर ऑरेंज को ऑब्जर्व करता है तो ब्लू दिखाई देगा। तो कोई भी कंपाउंड यदि हायर वेवलेंथ की रेडिएशंस को ऑब्जर्व करता है तो वो डार्क कलर का दिखाई देता है, जैसे जैसे वो लोअर वेवलेंथ की रेडिएशंस को ऑब्जर्व करता है उसका कलर लाइट होता जाता है। तो दूसरा कंपाउंड हमने देखा हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, इसमें स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा एनर्जी मीन्स लैम्डा की वैल्यू कम होगी, कम वेवलेंथ की रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर लाइट कलर होगा, इसलिए ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमें पिंक दिखाई देता है। और इसका इसी कंपाउंड का सेम मेटल है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन ज्योमेट्री डिफरेंट होने से यहाँ पर ये कलर चेंज होता है। सेकेंड फैक्टर है ज्योमेट्री की वजह से कलर में चेंज, फर्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा लिगेंड की नेचर से कलर में चेंज, थर्ड फैक्टर है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने पर भी उसके कलर में चेंजेज आते हैं। तो इसको हम इस एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं, यदि हम लेते हैं हेक्सा एक्वा निकिल सेकेंड आयन एंड हेक्सा एमीन निकिल सेकेंड आयन, तो इसमें हम देखते हैं कि इसका ग्रीन कलर है और यहाँ पे सेकेंड वन जो है वो ब्लू कलर है। सॉरी, दिस एग्जांपल इज आल्सो फॉर नेचर ऑफ लिगेंड, इस एग्जांपल से भी हम नेचर लिगेंड की नेचर को ही एक्सप्लेन कर पाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की सेम ही है। अब ये तो था डीडी ट्रांजिशन की वजह से किसी भी कंपाउंड में कलर कैसे आते हैं। सेकेंड हम इसमें लेते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अभी तक हमने पढ़ा डी डी ट्रांजिशन में क्या होता है, अगर डी में डी वन से डी नाइन तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन लोअर टू हायर या हायर टू लोअर एनर्जी लेवल हो सकता है, लेकिन और इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डी एन कॉन्फिगरेशन हो या डी टेन माइनस एन कॉन्फिगरेशन हो, दोनों के लिए कलर सेम होगा ऑलमोस्ट। लेकिन यदि डी जीरो और डी टेन कॉन्फिगरेशन हो तो डी जीरो में डी में कोई ऑर्बिटल नहीं है और डी टेन में ऑल डी ऑर्बिटल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड्स जनरली कलरलेस होते हैं क्योंकि उनमें डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमें देखने को मिलेंगे जो कि डी जीरो कॉन्फिगरेशन होते हुए भी उनमें कलर्स जो होते हैं, तो इसको हम किसके द्वारा बताएंगे, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के द्वारा हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा की ज़रूरत कब पड़ती है, कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन मेटल एस डी टेन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आर यूजुअली कलरलेस हमने बताया। एग्जांपल यदि हम लेते हैं टेट्राकिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कॉपर आयन कॉपर मॉलिक्यूल और हेक्सा एक्वा जिंक मॉलिक्यूल, इसमें देखते हैं दोनों में डी टेन कॉन्फिगरेशन है, डी टेन कॉन्फिगरेशन नो डी इलेक्ट्रॉन टू डी कलरलेस एज हावर, फिर भी हमने बताया कि कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे MnO4 और Cr2O7 4-2-, ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पर
मैंगनीज में D7 कॉन्फ़िगरेशन है, मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसमें दोनों में D0 कॉन्फ़िगरेशन है, बट फिर भी इनमें कलर आता है। तो इसको हम DD ट्रांजिशन के द्वारा नहीं बता सकते, तो इसके लिए हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट लेते हैं, चार्ज ट्रांसफ़र। और चार्ज ट्रांसफ़र में क्या होता है, चार्ज ट्रांसफ़र में बेसिकली DD ट्रांजिशन के समान ही चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन में भी मेटल के डी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट तो होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्साइटेशन है वो लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल से मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, या मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन। मतलब वहाँ DD ट्रांजिशन में हमने क्या देखा था कि मेटल के D2D ट्रांजिशन था, यहाँ पर हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में क्या देखते हैं कि मेटल और लिगेंड दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर। तो CT चार्ज ट्रांसफर बैंड्स आर ऑब्जर्व इफ द एनर्जीज ऑफ द एम्प्टी एंड फील्ड लिगेंड्स एंड मेटल सेंटर्ड ऑर्बिटल आर सिमिलर, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव एनर्जी लेवल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो उनकी एनर्जी डिफरेंस से कैलकुलेट हो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के आधार पर चार्ज ट्रांसफर दो टाइप के हो सकते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर जिसको हम LMCT कहते हैं, सेकेंड वन इज मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर जिसे हम MLCT टाइप के ट्रांजिशंस कहते हैं। लिगेंड टू मेटल जैसे कि MnO4- CrO4-, ये एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल जल्दी क्या आता है, MnO4- से बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, KMnO4 आप देखते हो कि पिंक कलर का होता है, तो क्वेश्चन आता है कि वाई KMnO4 इज ऑफ पिंक कलर बिकॉज इट हैव D0 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मैंगनीज का 7 +7 ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें, और यहाँ पर हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो वो आता है +6। अगर हम मैंगनीज +7 का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पे D0 कॉन्फ़िगरेशन है, 5 डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन और 2 4s के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, तो वो आपका Mn+7 बनेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे दोनों में ही D0 कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी ये दोनों कलर्ड हैं। तो ये यहाँ पे जो कलर होता है वो किस वजह से है, लिगेंड, जो लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल हैं, यहाँ पे लिगेंड ऑक्साइड लिगेंड है दोनों ही जगह, तो लिगेंड के ऑर्बिटल्स का मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मेटल में D0 कॉन्फ़िगरेशन है, मीन्स वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, तो लिगेंड के और इलेक्ट्रॉन्स का मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए हम लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र कहते हैं। और ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हो रहा है, ये भी अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेंज में आता है, इसलिए ये कंपाउंड हमें कलर दिखाई देता है। ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑक्साइड टू मैंगनीज 7 डिस्क्राइब एज LMCT। सेम इसी तरह से कुछ कॉम्प्लेक्सेज ऐसे हैं जिनमें मेटल के डी ऑर्बिटल्स तो ऑलमोस्ट फिल्ड होते हैं, लेकिन वहाँ पे उससे जुड़े हुए लिगेंड में वैकेंट पाई ऑर्बिटल पाए जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें, जितने भी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेज हैं उसमें भी हमारा मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र होता है, या हम कोई भी ऐसा लिगेंड जिसमें पाई बॉन्ड बन रहे हो तो उसमें एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल हमेशा वैकेंट होता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है ट्राइकिस बाइपिरिडिल फेरासाइन, जिसको यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर मेटल के डी ऑर्बिटल, मेटल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स का लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, लिगेंड ऐसा होना चाहिए जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल हो, अर्थात पाई बॉन्डेड जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें पाई बॉन्ड है, जो लिगेंड्स जिनमें पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उनका एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल वैकेंट होता है, तो उसमें आसानी से मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हो सकता है।
तो इस तरह से चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो है दो टाइप के हो सकते हैं, लिगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर और मेटल से लिगेंड में चार्ज ट्रांसफर। अब यदि हम इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करें, चार्ज ट्रांसफर एब्जॉर्प्शन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड होता है एंड दिस इज ऑफन 1000 times स्ट्रॉन्गर देन डीबी ट्रांजिशन है। जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से बनने वाले कॉम्प्लेक्स जिनमें चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर आता है वो हम देखते हैं हमेशा डार्क कलर कंपाउंड होते हैं, उनके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा होती है, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। इस चीज़ की स्टडी हम जब ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे तो उसमें हम वो डिटेल्स इसको पढ़ेंगे कि वाई द चार्ज ट्रांसफर लिगेंड वाई द कॉम्प्लेक्स विच हैव चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस आर मोर इंटेंस कलर्स देन द डीडी ट्रांजिशंस। तो इसका हम अगेन आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, अभी हम यहाँ पे केवल कलर क्यों होता है उसके लिए क्या रीजन्स हैं इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो दो कारण से कंपाउंड में कलर आया, एक डीडी ट्रांजिशन और जिनमें डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो वहाँ पर चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर हमने कहा कि दो टाइप का होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है तो यदि हम कंपेरेटिव देखें तो फर्स्ट लिगेंड टू मेटल मतलब ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी ऑर्बिटल ऑन ए क्लोराइड और ऑन एनी लिगेंड टू मेटल्स डी ऑर्बिटल, जिसमें जो लिगेंड है वो यू सिमेट्रिक का होना चाहिए, अनजीरेड होना चाहिए और जो मेटल का डी ऑर्बिटल है वो जीरेड होना चाहिए। तो यहाँ पे लिगेंड से मेटल का चार्ज ट्रांसफर, यहाँ पे मेटल टू लिगेंड में क्या होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स डी ऑर्बिटल टू पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। कोई भी लिगेंड जिसमें पाई स्टार ऑर्बिटल वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल हो तो वहाँ पे मेटल के डी ऑर्बिटल का वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में ट्रांजिशन है, उसको हम MLCT कहते हैं। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर जो स्पेक्ट्रा हैं दीज आर फेवरेबल व्हेन मेटल सेंटर इज इन ए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। जब मेटल की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो मेटल में डी ऑर्बिटल्स वैकेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। एंड MLCT ट्रांजिशंस आर फेवर्ड इलेक्ट्रॉन रिच मेटल सेंटर एंड दूज लिगेंड्स बाई पाई एक्सेप्टर्स। जब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच हो और लिगेंड में पाई बॉन्डिंग हो तो उसमें एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल वैकेंट हो, उस कंडीशन में मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर पॉसिबल होगा। ठीक है, थर्ड है LMCT के कॉमन एग्जांपल्स हैं फ्लोराइड ऑक्साइड नाइट्राइड हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, जहाँ पर इनके पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर मेटल में होती है डी ऑर्बिटल में होता है। MLCT के जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो हैं कार्बोनिल लिगेंड्स या जिनमें पाई बॉन्डिंग हो उससे। इसका एग्जांपल है कलर ऑफ कैमनोफोर। मैंने अभी आपको बताया था कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कैमनोफोर के कलर कंपाउंड आर दो इट है D0 कॉन्फ़िगरेशन, तो हम बताएंगे D0 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसमें DD ट्रांजिशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑक्साइड के लिगेंड से मैगनीज के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से LMCT टाइप ट्रांजिशन यहाँ का पॉसिबल है, जिसकी वजह से ये कलर दिखाई देता है। ये जो MLCT टाइप की जो ट्रांजिशन है ये हाई इन एनर्जी मोस्टली अल्ट्रा वायलेट रीजन में शो होते हैं और ये विजिबल रीजन में शो होते हैं। तो इस तरह से हम LMCT और MLCT टाइप के ट्रांजिशन को डिफ्रेंशिएट टैबलेट फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, why the complexes are colored, why some are light colored, some are dark colored, what are the reasons for them, तो इन सब की स्टडी हमने करी और एग्जाम्पल्स के द्वारा भी आपको एक्सप्लेन करा। नेक्स्ट स्लाइड में हम बाकी की एप्लीकेशंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यों आती है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में, ये सब का स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत करेंगे। थैंक यू।